तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अनलिमिटेड पिक्चर वाला वाटरमार्क कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो अनलिमिटेड पिक्चर वाला वाटरमार्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वाटरमार्क यहाँ पर ऐड करना होगा। तो वाटरमार्क ऐड करने के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में डिजाइन पे। ये देखिए डिजाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलते हैं एकदम लास्ट में और यहाँ पर ये ऑप्शन हमको मिल जाता है वाटर मार्क का। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए और नीचे हमें जाना है कस्टम वाटर मार्क पे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टम वाटर मार्क का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्लिक करना है पिक्चर वाटर मार्क पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और एक पिक्चर डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट पिक्चर पर हमने क्लिक कर दिया तो कुछ ऐसा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल पे हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कहाँ से आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप से हमने एक पिक्चर ऐड करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर एक पिक्चर पहले से सेव कर रखी है, ये स्माइल वाला। ठीक है, पिक्चर इसको सेलेक्ट कर लिया और नीचे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए स्माइली यहाँ पर ऐड हो गया एज ए वाटरमार्क। अब इसको मल्टीपल पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब अनलिमिटेड पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपको कर्सर ब्लिंक करता दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है तो हेडर हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है और इसको अपने हिसाब से इसका साइज आप एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए साइज एडजस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से पकड़ करके अपने हिसाब से जितनी भी साइज आपको चाहिए उतनी साइज आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये देखिए साइज हमारी यहाँ पर आ गई। इसके बाद इसको ऊपर ले चलते हैं, अपने हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या करना है, कंट्रोल दबा करके रखिए और इसको राइट साइड में ड्रैग करते जाइए। ठीक है, ये देखिए ये रहा दूसरी इमेज। ठीक है, फिर से कंट्रोल दबाइए और इसको राइट साइड में हमने फिर से इसको ड्रैग कर देना। ये रही तीसरी इमेज, उसके बाद फिर से राइट साइड में ड्रैग कर देना है। ये रही हमारी चौथी। अब हमें क्या करना है, इन चारों को ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल आप दबा करके रखिए। ठीक है, और एक एक पिक्चर को सेलेक्ट करते जाइए। अभी देखिए पहली सेलेक्ट है, उसके बाद दूसरी सेलेक्ट हो गई, उसके बाद तीसरी सेलेक्ट हो गई और चौथी सेलेक्ट हो गई। याद रखिए कंट्रोल आपको दबा करके क्लिक करते जाना है सारी इमेजेस पे। ठीक है, ये चारों सेलेक्ट हो गई। अब देखिए क्या करना है, कहीं पर भी बीच में कर्सर ले जा करके राइट क्लिक कर दीजिए और ये देखिए ग्रुपिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये कब क्या हो गए, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब फिर बहुत सिंपल है, खाली आपको कंट्रोल प्रेस करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। तो आप जितनी बार भी इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे ये ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने कंट्रोल दबाया फिर नीचे की तरफ ऐड किया तो ऐड होता चला गया। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड पिक्चर वाला वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।